गाइस अभी ऐसे हाल हो गए ना, हमें कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं। ये गाड़ियों की हल्की फुल्की लाइटें दिख रही है, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। देखो ऊपर से कहीं से पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे पानी निकल रहा है पहाड़ों के अंदर। एक स्टोरी तो बनती है गाइस। देखो अभी ये दोनों आ रहे हैं पानी में, यहाँ उतना पानी है नहीं भाई, मजा है नहीं उतना, तो क्या फायदा। तो भाई देखो पता कैसे चल रहा है वो, आराम से आ रहे हैं, गिर ना जाए बस। शायद दिन की वाइफ बैठी है पीछे, पता नहीं भाई, हमें पीछे से ऐसा गंदा पास मारा ना, मैं बोला ही था। हमारे साथ थोड़ी ना पीछे भी है, आप पीछे से मारो, हमने निकाल भाई। लड़की बोलती थैंक यू। तो भाई देखो जेसीबी का आगे वाले कहाँ पर, हेलो गाइस वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई अभी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई रेस्टोरेंट से। हम आपको जैसे आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था, विनीत भाई आगे आ गए थे, अभी यहाँ पे रुके हुए थे और हम भी यहीं रुके हैं। हालत बहुत खराब हो गई है, 4 बज गए भाई, बारिश ने हमें वैसे की तैसी कर दी भाई। अभी हम होने चाहिए थे कहीं स्पीति के आसपास, अभी हम शिमला के पास भाई है, तो बारिश ने हालत खराब कर दी। अगर आगे फिर बारिश पड़ी तो विनीत भाई जी कैसे हो आप, तो पूरे रेनकोट जूता भाई, जूतों के लिए भी इस दिन आया हुआ है और हम क्या यार मैं बोला सबको कि भाई ले लो यार, कहाँ आपको पता, कल हम आए वहाँ से जम्मू से, टाइम ही नहीं मिला, सीधा उठ के निकल आ गए। अब ऐसे करेंगे कहीं आगे से कुछ मिला, अगर हाँ मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो भाई अब गीले हो ही गए हैं तो फिर। और मैंने ऊपर से विनीत भाई की स्वेटर पहनी थी, इसके अंदर जितनी वो गीली हुई ना भाई, उसने मेरी हालत खराब कर दी भाई, नीचे तक उसमें पानी चले गया। मैंने उतार के बैग में रख दी, मैं चल उधर, ठंड लग रही है बट अब क्या करे, वो तो मेरी हालत खराब कर देती स्वेटर भाई, उसने बहुत पानी चूसा था। तो अभी बाहर बाइक्स वगैरह लगी हैं, कॉफी मंगाई हुई है, थोड़ा गर्म हो जाएंगे तो निकलेंगे। मैं तो बोल रहा था निकलना ही, मतलब जल्दी चलो, रुकना नहीं है, बट इस बंदे को कॉफी पीनी थी, ठंडा भाई ठंडा, अभी चाय पी यार, अभी पीछे चाय पी थी, बट क्या करें, पीनी है तो पीनी है। अभी निकलते हैं यहाँ से, एडवेंचरस राइड रहने वाली है भाई आगे। आपको पता है स्पीति की रोड भी होगी, तो स्पीति की रोड काफी ज्यादा खराब है, तो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये देखो भाई बाहर तो कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो इतनी धुंध हो गई है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा, इसको बंद ही कर देते हैं भाई। सो गाइस अभी यहाँ पे बैग वगैरह दोबारा खो रहे थे, अभी दिखा सीट हुए बैग में ना ट्रिमर ऑल हो गया हुआ, वाइब्रेट विनीत भाई मजे मजे जाओगे वाइब्रेट होते होते, बस से बांध दिया हुआ, ये नहीं खोलना यार, बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है। और देखो भाई विनीत भाई का भाई दोबारा हमने पूरा खोल के बांध दिया हुआ है, मतलब सामान बांध दिया हुआ है। और इस बंदे को देखो यार, ऊपर से नीचे तक शर्म नहीं है तेरे भाई, भीग रहे हैं खुद, देखो जूते तक भाई लगाया हुआ है, यही फायदा होता है सब सामान लेके जाने, शर्म ही नहीं है बंदे को। इधर हमारी हालत है देखो यार, क्या हो गया होगा, पैडिंग भी गीली है, मेरे को ठंड बहुत लग रही है। और ये देखो भाई धुंध कितनी ज्यादा है, यहाँ से भी हमें 400 किलोमीटर जाना है आज, तो हम मुश्किल ही पहुँच पाएंगे, मेरे को लगता है 100-150 मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि बारिश हर जगह पड़ रही है। बट वेदर वे मुझे दिखा रहा है किन्नूर से आगे मतलब बारिश नहीं है, पता नहीं भाई क्या होगा देखा जाएगा। और यहाँ तो वेदर से तो पहले दिखा रहा था, शिमला में भी नहीं बारिश अचानक पड़ेगी भाई, वेदर के भरोसे नहीं चल सकते हम अब। गाइस देख रहे हो आगे मौसम कैसा भाई, पूरी धुंध ही धुंध हो रखी है। और अभी हमें भाई 400 किलोमीटर करना था आज, मुश्किल है भाई क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है, तो फिर ना हमें मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, हम घूम नहीं पाएंगे प्रॉपर जिसलिए हम आए हैं। गाइस जो भी ऐसे हाल हो गए ना, हमें कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं। ये गाड़ियों की हल्की फुल्की लाइटें दिख रही है, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, बाकी सारा कुछ मतलब रोड ही नहीं दिख रही प्रॉपर हमें। मेरे तो बाइक के इंडिकेटर भी ख़राब हो गए भाई, मतलब पता नहीं क्या हो गया इनको, शायद पानी जो नहीं चले गया शायद इनमें, मतलब फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही, इंडिकेटर्स भी नहीं चल रहे। और साथ में भाई वाइज़र भी पूरा फॉग से भर गया हुआ है, बारिश पड़ रही है हल्की फुल्की, बागे से बारिश से भर गया हुआ है और दिखा हमें कुछ रहा है नहीं। A few moments later. देखो थोड़ी बहुत धुंध भी कम होगी है, बारिश भी ख़त्म हो गई है, और यहाँ का व्यू चेक करो भाई, चलो अब भाई ने बोला हुआ टेक लो भाई, अब तो भाई बारिश भी नहीं है, अब तो हम कहीं रुकेंगे। ओहो बस रोड अब सही मिल जाए ये ना, रोड कच्ची मिलेगी तो फिर तो हालत खराब होगी। मैं इनसे आगे जाना चाहिए हमें ना, सबसे आगे चलेंगे, ये पत्थर मारते हैं सही में भाई, हम गरीब होंगे, इनके मोटे टायर हैं भाई, वो इतने मोटे मोटे पत्थर उछाल के फेंकते हैं हमें, हमें लगती है भाई हम नाजुक लोग हैं भाई। रोड अच्छी थी, भगाने में मज़ा आता है, लेकिन पूरी रोड गिरी है, ये देखो भाई क्या भगाए बंदा हल्का सा लीन मारे नीचे से बाइक निकल गई होगी, और हम कहीं और होंगे, बाइक कहीं नाले में पड़ी होगी, तो इसलिए ऐसा ऐसा ही चल रहे हैं। और अंकुर फिर पीछे ट्रैफिक में अटक गए भाई,
तो इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ, मैं वो भी आए तो साथ ही चलेंगे। विनीत भाई तो आगे, उनको हमने आगे भेज दिया है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने देखा था अभी उनकी लाइव लोकेशन देखी थी मैंने, तो 3 किलोमीटर आगे थे हमसे, ज़्यादा दूर नहीं होगी, यहीं कहीं पेड़ों में होंगे। ये पूरे ना सेब के पेड़ लगे हुए हैं भाई, ये देखो आगे आपको सारा दिख रहा होगा, ऊपर से ना जाली वगैरह रखी हुई है ताकि भाई ये सेब वगैरह टूटे ना, मतलब बारिश की यहाँ हवा ज़्यादा तेज़ हवा से ना ये नीचे गिर जाते हैं, फिर सेब ख़राब हो जाते हैं, इसलिए सब लगाया हुआ है आगे, आप देख ही सकते हो भाई। बट बहुत प्यारा, मतलब ऐसा चेंज कर दी लुक पूरी इन्होंने, जो इनने फंसे रखा है ना जाली वगैरह, इन्होंने पूरी लुक ही चेंज कर दी है। अभी देख सकते हो भाई अंधेरा हो चुका है, हमने एक्चुअली रास्ता भटक गए थे, रास्ता नहीं भटक गए थे, हमने विनीत भाई को ना आगे भेज दिया था, तो वो रास्ता भी जाए आगे, वो रामपुर है कि रूपनगर है जो भी है वहाँ जुड़ता था, और ये रास्ता भी, बट हम चले गए उस रास्ते से, विनीत भाई आगे इस रास्ते से, तो फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ा, हमें बाद में पता चला कि वो भी जुड़ता है, बट विनीत भाई इस रोड पर थे, यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो फिर हम वापस आ गए वहाँ से यहाँ, तो हमें उसमें आधा एक घंटा वहीं लग गया। तो अभी अंधेरा भी हो गया, 7 बज गए हैं भाई, बारिश रुकने का नाम नहीं रह रही थी, बड़ी मुश्किल से रुकी है, सोचते थे रिकोंगपियो रुकेंगे, और बोलते नहीं रिकोंगपियो नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में कहीं पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, अगर लाइन स्लाइड हो रही है तो वो कहते हैं अंधेरा होगा, पता भी नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है, तो आराम से जाना। तो हमें कहा कोई बात नहीं अंकल, उन्होंने सेब वगैरह भी दिए थे हमें, हम वो खा रहे थे मस्त हो गए। The next day. वॉक स्टार्ट हो रहा है भाई, होटल रूम्स है, पीछे बार दिख रहा है भाई, ये बार में नहीं थे हम यहाँ पे, साथ में होटल भी है भाई, ये बार रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ था, और अपने ही 2 बाइक्स लगी हुई हैं पीछे, टनार और ड्यू फरोरी, पीछे विनीत भाई की बाइक। कल ना हम भाई रात को पहुँच गए थे भाई रामपुर है कि क्या है ये, फिर हम यहीं रुक गए क्योंकि आगे ना रास्ता बंद था, रात को हमें यहाँ के लोकल्स बोलते रास्ता बंद है, तो हमने सोचा था चलो कोई नहीं सुबह निकल जाएंगे यहाँ से स्पीति के लिए, बट अभी एक और प्रॉब्लम आ गई और प्लान में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, वो ये है कि भाई आगे ना रास्ता अभी भी बंद ही है, हमने अभी यहाँ पे हमने होटल ओनर से भाई कॉल करवाया था, तो इनका कुछ सामान आ रहा था बोरे, अभी वो वहाँ पे बंद है, तो नियर अबाउट यहाँ तो शाम को खुलेगा या कल सुबह जाके खुलेगा भाई, वो भी 10-15 मिनट के लिए मुश्किल से खुलेगा, तो हमें भाई अब प्लान चेंज करना पड़ रहा है, हम अब जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट मनाली, हम स्पीति नहीं जा रहे भाई, क्योंकि हमें कल किसी भी हाल में शाम को चंडीगढ़ पहुँचना ही पहुँचना है, आज अगर हम स्पीति जाते तो कल हम सुबह वहाँ से जल्दी निकल जाते मनाली के लिए, तो फिर कल शाम को रात को निकल जाते आराम से चंडीगढ़ के लिए, बट आज भाई रोड बंद है तो हम स्पीति जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि उन्हें प्लान चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्ट मनाली को चले जाते हैं, तो किसी और दिन भाई, अब भाई को रशिया जाना अब जैसे आप सबको पता है, तो किसी और दिन हम चले आ जाएंगे वापस स्पीति मार लेंगे भाई, और मज़े से मार लेंगे, इन दिनों हमारे पास दिन भी बहुत कम थे, ऊपर से कल का दिन भी हमारा पूरा खज्जल हो गया, बारिश पड़ी है मुश्किल से 100-120 किलोमीटर कल हमने कवर किया, ज़्यादा कर ही नहीं पाए, बारिश पड़ गई, फिर हमने सोचा था रात को चलते रहेंगे रिकोंगपियो तक जाएंगे कम से कम, बट रास्ता ही बंद था तो फिर हमें वापस आना पड़ा, फिर हमने यहाँ पर ऑटो वगैरह ले लिया, और आज ऊपर से भाई का बर्थडे भी था, तो भाई सारे लोग ना विश कर गए, सारे लोग भाई विश कर देना भाई भाई को, मैंने ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी, तो आधे ज़्यादा लोग ना मेरे को मेंशन करके मेरे मतलब मुझे बर्थडे विश करे, उनको लग रहा है मेरा बर्थडे, तो मेरा नहीं भाई, मेरे भाई का है, उसकी आईडी भाई आपको मेरी फॉलोइंग में दिख जाएगी, वो भी ओरिजिनल होगा, तो उसको जाके विश कर देना भाई, मुझे नहीं करो भाई, मेरा बर्थडे अभी लेट है काफ़ी, नवंबर में आने वाला है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, और निकलते हैं यहाँ से सीधा मनाली के लिए, मे भी शायद हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा 210 किलोमीटर है मनाली को, तो हम आराम से इजीली मार लेंगे, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, देख ही सकते हो धूप पड़ रही है आज, तो हम भाई पूरा स्पीति भी मार लेते हैं, वहाँ से हम मनाली भी आज ही जा सकते थे, इतना था हमें, बट रोड ही बंद है भाई, किस्मत ही अब ऐसी है क्या करें, और ऊपर से हमने ना भाई जल्दबाजी में ट्रिप भी बहुत गलत मतलब एक हिसाब से प्लान कर ली, हमारे मतलब टाइमिंग नहीं बैठी सही भाई, हमारे पास दिन कम थे और ट्रिप हमने बहुत लंबी सोच ली थी, मार लेते बट अब किस्मत जब साथ ही नहीं दे रही क्या करें भाई, कल पूरा दिन बारिश पड़ गई, कल का दिन भी हमारा खत्म हो गया, कल हमने सोचा स्पीति पहुँच जाएंगे, आज हम मनाली के लिए जा रहे होते और वो भी नहीं हो पाया, अब आज स्पीति जाते आज रास्ता ही बंद है, तो कोई बात नहीं भाई, अब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इतनी रोड से हम रात को आए हैं, और देखो क्या प्यारा व्यू है भाई, अभी तो बहुत सही लग रहा है, कश्मीर जैसा व्यू लग रहा है मेरे को, बट रात को तो भाई यहाँ कुछ अलग ही सिस्टम था, रात को पूरी रोड की नहीं थी भाई, इसलिए हमें रात को थोड़ा डर लग रहा था, आहिस्ता चल रहे थे, अभी तो हम तेज़ मज़े से चल सकते हैं, बट फिर भी हम नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि भाई आपको पता है विनीत भाई ना थोड़ा आहिस्ता ही चलते हैं, तो कल हम ऐसे ही भाई आगे पीछे हो गए थे, तो इसकी वजह से हम मैन लेट हम हुए, उसकी वजह से क्योंकि एक बंदा आगे होता था एक पीछे हो जाता था, मैं कहीं बीच में अटका होता था, फिर मैं कहीं और रास्ते पर चले जाता था, तो इसलिए आज हम साथ साथ चलेंगे, जहाँ भी जाएंगे भाई साथ में ही जाएंगे। गाइस गाइस ये देखो बैग यहाँ बांधा है, और ये बंदा ना ये लगा रहा था टनार पे, एक्चुअली भाई ये ना फट गया पूरा नीचे से ड्यूक पे, भाई मैं आपको निशान दिखा देता हूँ क्या हो गया,
ये देखो भाई पूरा रगड़ गया जूता भाई, इसमें पड़ा हुआ था नया, अभी तो मैंने एक बार भी नहीं लगाया, वो नीचे से पूरा रगड़ गया हुआ है। मैं दो शूज़ पड़े हुए थे, मैं कहीं यार वो कट जाएगा, बैग भी कट गया, कपड़े रास्ते में गिर जाएंगे, खजल हो जाएंगे, तो टेनार पे बांधे, क्योंकि टेनार थोड़ी ऊपर है भाई, वो आसानी से टच नहीं होगी। अब देखते हैं भाई, अंकू मान नहीं रहा था, कैसा हो रहा है भाई के लिए, भाई जब तेरा मान नहीं रहा था अंकू, अंकू चाह रहा था एक बार मना कर दे बस, ये वो बेचारा अपने में मस्त है, वो खुद ही कर देता है। अंकू सो जाता कि वो इसे एक बार मना कर दे, वो छूता इसी का था। खुश हो रहा है साले, ये नहीं लूंगा तेरे से। की किसम मेरे को ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को इतना मजा। अबे इतना बड़ा बैग, बम मजे से बैठ रही थी इसकी। अब बैलेंस होगी बाइक अंकू, अब हिलेगी नहीं, पता है इतनी मस्त लीन बजेंगे ना, उतने ड्यूक पे भी नीचे नहीं लेटेगी जितनी ये लेटेगी, सीधा मोटो जीपी वाला लीन। आप पता है कितना डिग्री, 67 डिग्री होना चाहिए लीन, 67 डिग्री लीन चाहिए, ये नीचे बजना चाहिए इधर से भाई अंकुला भाई हर बार बहाने मार देता था आसमान का, अब यहाँ नहीं लगाएंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आखिरकार बंधवा ही दिया हमने वो भी इसलिए कोई कट रहा था भाई, मैंने भी कहा था मैं टेनार पे आराम से बैठेंगे, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम आती है, दो बंदे थे ऊपर से, अब हम मैं और मेरा भाई मजे से जाएंगे, और मेरा भाई मुश्किलों के बीच मैं और मेरा भाई अब तो वो तो भाई है मुश्किलों में। रोड तो सही थी बट इधर से बसें जो चल रही है ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी भाई, क्योंकि इनके आगे पीछे नहीं देखते, सिंगल लाइन है भाई, इनको लगता है आगे से कौन ही होगा। और हम पीछे एक बस वाला भाई चढ़ा गया था मेरे ऊपर, कैमरा ऑफ था, टर्न था, मैंने हॉर्न हल्का ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया, उसको भी शायद पता नहीं चला, पूरी बाहर काट गया था, मैंने तो भाई आगे मिट्टी पर डाल दी, मैं गया नीचे भाई, इसलिए बोलता मुझे लगा था अब यहीं पर जनाजा पड़ा जाएगा हमारा। सो गाइस अभी हम मंडी की रोड पे चढ़ चुके हैं, यहाँ से मंडी है 121 किलोमीटर, वहाँ से फिर शिमला ज़्यादा नहीं है यार, फिर शिमला बोलो मनाली। और अभी हम यहाँ पे भाई ब्रेक पे रुके थे पानी पीने, कितना टाइम लगा देते हैं हम पानी पीने में, चल रहा है ब्रो, ये आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कैमरा चल रहा है, बत्ती भी नहीं मार रहा है, बत्ती मैंने बंद कर दी है इसकी, क्योंकि पुल से हमें जब भी रोकते ना उनको जान दो हम ऐसे पकड़ लेंगे, आपको पता है सुपर ड्यूक आज तो हम भाई हम यहाँ पे रुके हुए थे ना, तो मतलब कितना क्या टाइम है, हम कोई एक बजे को, हमको एक बजे पहुँचे थे भाई यहाँ पे, बाइक बंद हुई है ये डालेंगे हम, टेंशन नहीं लो, इससे क्या ही हो गया, बाइक बंद होगी तो क्या, मतलब बाइक ही चलानी आती क्या हमें, सबको पता है भाई देखा बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने यहाँ पे एक बजे के आसपास आए थे, मतलब पहुँच गए थे, कहते पानी पियेंगे, पानी भाई इन्होंने 36 मिनट में पानी पिया है, सोच लो इनको, मैं इसलिए इनको बोलता हूँ रुको ही नहीं, ये जब रुकते हैं ना फिर भाई ये निकलने का नाम नहीं लेते हैं। ओ भाई रोड तो बहुत अच्छी है आगे, ये मुझे लगा जैसे पीछे हालत थी और सिंगल लाइन वैसे ही होगा, इस पर तो जट चलेंगे भाई, प्रहार क्या बात है भाई, वो 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 इस पर तो भाई अलग ही मजा आएगा इस रोड पे, तू यहाँ कहाँ आ रहा है भाई, दूसरी साइड चलना भाई, गाइस ये देखो टच हो गई है गाड़ी बंदा इतना परफेक्ट ड्राइवर है, छू के निकाल दी इसने, इसके साथ छुआ के ये देखो रगड़ गया गाड़ी बेचारे की, एक तो रॉन्ग साइड डाल गया था, अपनी साइड बैठने था, ट्रक वाला निकाल लेता आराम से, इसने उधर से काट के इधर डाल दिया, एंड पे छुआ गया, आता है दिख रहा है आप सबको क्या, कि नहीं दिख रहा है, जूम कर दूंगा भाई अगर नहीं दिख रहा है, देखो ऊपर से कहीं से पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे पानी निकल रहा है पहाड़ों के अंदर, एक स्टोरी तो बनती है गाइस, छोटी सी रोड साथ में छोटी छोटी सी नदी, अभी भाई बोल रहा था नहाएंगे बट ये बहुत छोटी, इसमें क्या नहाएंगे भाई, ये देखो तभी हॉर्न दे रहे हैं पक्का, इधर पानी नहीं है, रुकना है बोलो ए, फिर यही रुको, आगे क्या रुकना है, यहां है ये बिल्कुल, आगे घंटा होगा फिर आगे ऊपर चढ़ जाएंगे, भाई बोल भाई बोल रहा था भाई पानी में भाई दरिया में नहाएंगे बट इधर पानी नहीं है भाई, इधर क्या बंदा नहाएगा, अभी हम पेड़ के नीचे रुके हुए हैं अखरोट के, ये देखो शिदाब कैसे लेट हुआ, हम पहुंच चुके हैं भाई अन्नी कैसे कैसे नाम है भाई, नहीं नहीं ऐसे नहीं गाली नहीं देनी,
और अभी हम वेट कर रहे हैं भाई अंकु और विनीत भाई का, भाई वो हैं पीछे रह गए हैं कहीं पे, और भाई फोन कर रहा था, बोल रहा है दरिया के पास रुको कहीं नहाते हैं, तो भाई इतने गंदे पानी में कौन नहाएगा, अभी उनका वेट कर रहे हैं, 5 मिनट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं पीछे, बोलते आगे वेट करो, तो सही में भाई आगे तो 2-4 रास्ते ऊपर नीचे होते हैं, कहीं ऊपर नीचे ना चले जाएं, फिर से हम इसलिए वेट कर रहे हैं ताकि साथ साथ चले भाई हम, ज़्यादा तेज़ मैं भी नहीं चल रहा, रोड आप देख ही सकते हो कितनी पतली है, बट वो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं भाई, शायद पीछे कहीं ट्रैफिक वैफिक में अटके होंगे, तो अभी वो आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से मंडी के लिए, अभी हम मैं अन्नी में है। अभी इन्होंने इधर से बाइक नीचे उतार दी है, बोरे भाई यहाँ पे नहाए धोएंगे, क्या नहाना है, पानी देखो कितना सा है, चलो अब रुक गए तो रुक गए, एक तो रुकते ही बहुत हैं, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएं, बताओ कहाँ जाएं, ये चेक करो भाई, पता नहीं आवाज आ रही होगी, नहीं कर उधर फेंक उधर, ये देखो बाकी, भाई जब हम छोटे होते थे ना ऐसे हम मतलब बड़े बड़े वो जो होते हैं ना भाई जो बड़े बड़े पिलर्स होते थे ना मतलब वो क्या बोलते हैं यार मैं नाम भूल गया, लकड़ी के जो होते हैं हम उनको डालते थे दरिया में फिर उनके ऊपर चढ़ते थे, और इधर देखो देखो अभी ये दो नहा रहे हैं पानी में, यहाँ उतना पानी है नहीं भाई, मज़ा है नहीं उतना, तो क्या फ़ायदा, एक तो मतलब मन नहीं है मेरा भाई, वो देखो उधर बट उतना मज़ा है नहीं भाई जिससे मैं नहा नहीं रहा, और हमने भाई बाइक इनको तो फर्क नहीं पड़ता पीछे बैठने वैसे भी, गाइस अभी हम बाइक को थोड़ा बहुत भगाते हैं भाई इन रोड पे, वैसे मेरे पीछे शदाब बैठा हुआ है तो मैं नहीं चाहता भाई ये थोड़ा ज़्यादा डर जाए, वैसे डरता तो है नहीं बट फिर भी उप्स वाले मूवमेंट नहीं होने चाहिए, उप्स वाले मूवमेंट हुए तो फिर ये गालियाँ देता है भाई तो इसके डर के लिए नहीं मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहीं क्लोज कॉल वगैरह उप्स वाले मूवमेंट हुए तो ये बड़ी गालियाँ देता है भाई, फिर वो तेज़ क्यों चल रहा था, क्या कीड़ा था तुझे इसलिए थोड़ा देख के ज़्यादा भी तेज़ नहीं चलेंगे, मज़ा आ रहा है लेकिन इस रोड पे, बस ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है ना भाई, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ऊपर से ब्लाइंड कर्व्स बहुत है ना, तो पता नहीं गाड़ी आगे से आ रही है नहीं, तो इसलिए मेरे को ना पूरी साइड उस साइड रखनी पड़ रही है, तो बीच में मिट्टी है तो कहीं अच्छा, अगर मैं पूरे कॉर्नर टाइट कॉर्नर लूँगा तो बीच में अगर मेरे को गाड़ी आगे से आ गई कट मारने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बाइक स्लिप हो जाएगी, उस वक्त उप्स मूवमेंट हो जाएंगे तो फिर मेरा उप्स निकाल देगा सारा। गाइस अभी मैं उनको के पीछे बैठा हुआ था तो भैया बोलता मेरे को बाइक चलानी है, और आगे ना भाई मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ है पीछे में, पहले लैंडस्लाइड हो रहे थे ये देखो, तो आराम से बोलना, और देखो भाई अल्टो वाला कहाँ से निकल रहा है, गाइस देखो हम तो निकल रहे हैं बाकी ये लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे, जान दे अभी मैं उनको कहीं पीछे बैठा हुआ हूँ तो मैंने ना भाई हेलमेट अपना वापस पकड़ लिया था, इनसे टहना नहीं जा रहा, और ये बंदा भाई देखो पता कैसे चल रहा है, वो आराम से यार कहीं गिर ना जाए, बस शायद दिन की 5 बैठी है पीछे पता नहीं भाई, हमें पीछे इसने ऐसा गंदा पास मारा ना, वो मैं बोला ही था, क्या हुआ साइड पे थे भैया, आपने गलत लिया, पकड़ यार बाइक उठा यार बाइक उठा उठवा ना छोड़ो रुक 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 ज़िगज़ैग नहीं किया आगे कर, हम साइड पे बिल्कुल भैया आप तो पीछे से आ रहे हो, पीछे से भी आ रहे हो भैया, देखो ये यहाँ पे आप पास ले रहे हो, ये नॉन एबीएस है ना भैया, आपकी स्किट टायर स्किट हो गया, उन्होंने भी मारी यार वो, ये स्किट हो गई, स्किट हो गई लगी तो नहीं भैया गिर गए, स्किट हो गया टायर वो के साथ बच गए थे, ना ना बच गए, नॉर्मल स्पीड थी,
बग्गी बग्गी होगी यार, हम साइड पे भैया नहीं यार, मुझे नहीं पता, नहीं तब से नहीं पता। अच्छा क्या हुआ भैया, हम कुछ भी करें इसका मतलब आप ठोक दोगे? छोड़ो छोड़ यार, ध्यान दे ध्यान, छोड़ ना भाई साथ, छोड़ जाओ तो छोड़ ना भाई साथ, ध्यान दे। अबे तेज चल रहा था, पास मारने की ट्राई था, मुझे हमें पता था गिरेगा। चलो अब वो कहाँ जा रहे हो? हम चले गए स्पीड से, ये तेज वो पीछे से आए भैया, उनने तेज मारी हमारे पास, तो कैमरा भी लगा, हमारी 20 की स्पीड थी भैया। दादाजी सबसे आप स्पीड चल रहे ना, आगे वाले को करना, बीच वाले को आप बोल रहे हो उतरो, उसको क्या नाम दे रहे हो? हमने आराम से वो आके पीछे से ठोके हैं, ये थे तो पोल के साथ खड़े हैं। हां जी, हम ये पोल के साथ, हमें पता है इससे तो भैया हमने उठाया उनको, वो तो इसके साथ बजे, हमारे साथ थोड़ी ना बजे, इनके पीछे बजे। अगर वो आराम से उतर रुक जाए, पीछे वाला ना जो एक ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, वो पीछे वो हमारे साथ उतर, तो इसका के साथ हमारे साथ थोड़ी ना बजे भैया, आप पीछे से मारो उन्होंने, निकालो बड़ा हरामी हो बेटा। लड़की बोलती थैंक यू, खुश होगी। यहाँ पे काम चल रहा है और वो देखो, वो रे भैया जो गिरे थे, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी पता नहीं कितना टाइम बंद रहेंगे। जी बाजार शुरू होने से पहले मिलेगा आपको, कितना किलोमीटर होगा? 7 किलोमीटर होगा। अच्छा दुकान या यहाँ पीछे भी था, लेकिन वो कैश मांगने लगे, कैश था नहीं, ऑनलाइन नहीं चलता कहीं। तो पेट्रोल पंप मैन कहाँ पे मिलेगा? 13 किलोमीटर पेट्रोल पंप मैन, 7 किलोमीटर हुआ 13, वो तो उधर तक तो पहुँच जाएगी उतना है। तो भाई ये देखो जेसीबी का आगे वाला काम पड़ो, चल चले हम भैया, पहले थोड़ी पीछे करो, थोड़ी पीछे, चलो भाई। अभी भी नीता रुका हुआ था ये वाले व्यू देखने के लिए, कहता भाई क्या व्यू है देखो, भाई, भाई, भाई एक बार डोडा हो कभी, ऐसे व्यूज आपको हम हजारों दिखाएंगे। और यहाँ नदी चल रही है, वहाँ पे नीचे चनाब चल रहा होगा, बस फर्क इतना है। गाइस आखिरकार फाइनली पेट्रोल पंप मिल चुका है, इधर रोक रोक पावर है, पावर नहीं है, पावर है ही नहीं। अभी हम पहुंच चुके हैं थलोट, थलोट नाम है शायद जगह का, और आवाज़ सुन रहे हो, ये किस चीज़ की आवाज़ है भाई? और ये है भाई डैम, ये देखो भाई पानी रोका गया है, नहीं अभी नहीं रोका उतना, बट ठीक ठाक पानी है भाई, इस साइड तो ज़्यादा है, जो इस साइड रोका हुआ है। ओह मैं तो इस साइड देख रहा था, उल्टा देख रहा था भाई, मैं देख रहे हो कितना, क्या बोलूँ अब खुद को, क्या ही बोल सकता हूँ, इस साइड तो बहुत कम पानी है, अच्छा थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ है इसलिए ज़्यादा है। और देखो भाई अभी नहीं पानी छोड़ा हुआ है, और देखो आवाज़ कैसे आ रही है भाई इसलिए इधर ज़्यादा फ्लो है अभी, वरना यहाँ से तो पूरा बैठा होता पानी। तो भाई अभी हम गलत जा रहे थे, हमें जाना है भाई टनल में, ये मुझे याद आ गया, पता है जब हम लास्ट टाइम आए थे ना उनको बोलता, तब हम आर लेके आए थे और ड्यूब की मेरी प्राइवेट, कहते भाई ये कौन से गुफा में आ गए, और जब हम यहाँ से बाहर निकले ना, तो जैसे हमारे उधर नीचे आग लगाते जंगलों में, तो वैसे ही आग लगी हुई थी, अंकू पहले बाहर निकला, तो सारे रुके, कहता वो भाई हम तो जहन्नम में आ गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे मनाली की, और अब तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अभी हम विनीत भाई को आन देते हैं, विनीत भाई आएगा तो फिर निकलेंगे भाई, फिर हम भाई जाएंगे फुल स्पीड में, और इस रोड पे आपको पता है हम कैसे चलने वाले हैं, इतनी चौड़ी रोड है भाई, कोई टेंशन नहीं है, और अभी बस विनीत भाई का वेट हो रहा है, विनीत भाई आए तो बस फिर निकले हम। गाइस अभी आप देख सकते हो हाईवे आगे, अभी हम और आगे चले गए, विनीत भाई थोड़ा पीछे ही है, मैं चलो थोड़ा हम भगा लेते हैं भाई, मैं और विनीत भाई आहिस्ता आहिस्ता ही चल रहे थे, मैं विनीत भाई के साथ साथ ही चल रहा था। हेलो छोड़े, अभी थोड़ी भगा दे बाइक को, मजे दो भाई, अभी हमें एक चीज़ की टेंशन थी पहले कि भाई कहीं हम मनाली तो जा रहे हैं, ये ना हो भाई कल जब हमें वहाँ से वापस जाना हो तो मनाली के रोड ही बंद हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मनाली की तो हाईवे एकदम ओके है भाई फिलहाल, ये रहे हमको, और क्या बात है भाई, बड़े टाइम बाद भगा रहा हूँ भाई ऐसे, मतलब इतने दिनों से
भाई एक तो मैं घर गया होता इतने दिनों से, उसके बाद भाई वहां से आए बट रोड ही नहीं मिली वैसी भगाने के लिए भाई। चलो हल्की सी भगाते हैं उसके बाद स्लो हो जाते हैं। मनाली है 40 किलोमीटर, चालीस अगर ऐसा चलता रहा तो 40 किलोमीटर तो कुछ ही सेकंड्स में, सॉरी सेकंड्स बोलने लग गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिनट्स में खत्म हो जाएगा। गाइस अभी रेस लगी हुई है बहुत तगड़ी वाली, क्या चला रहा है भाई। वाइजर था होगा ना भाई फिर अलग ही मजा, फिर मैं बिल्कुल जोड़ के रखता, मेरे को ना पत्थर बज रहे थे आपको मैं तो मेरे को दिख नहीं रहा था, मैं ऐसे आधा मतलब मुंह टेढ़ा करके देख रहा था। तो हम पहुंच चुके थे भाई मनाली, उसके बाद फिर हमने होटल रूम वगैरह ले लिया था, तो हम खाना वाना खाने गए थे। अभी आपको मेरी आपको से तो देख ही रहा होगा, अभी रात के भाई टाइम बता देता हूँ आपको भाई, ये देखो 2:39 हो रहा है भाई, तो 2:30 बजे पे मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, तो मैंने एंड वगैरह किया ही था, मैं बोल ही गया था मैं सुबह व्लॉग एंड कर देता हूँ, मैं सोने वाला हूँ भाई, तो व्लॉग का एपिसोड वगैरह कर दूंगा, तो सुबह आपको व्लॉग मिल जाएगा। बाकी कल हम यहाँ से मेरी अटल टनल जाएँ और फिर शाम को भाई हम वापस चंडीगढ़ चले जाएंगे, यहाँ से ज़्यादा दूर है भी नहीं और हाईवे अच्छी खासी है तो मज़ा भी आएगा पकाने में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।